हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, OEM गिटार्स वर्सेस ब्रांडेड गिटार्स। तो ये वीडियो आप देखिए एंड तक, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए गिटार खरीदना हो जाएगा बहुत इजी और आप किसी भी प्राइस रेंज में एक गिटार खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में ये होता है कि एक मैन्युफैक्चरर दूसरे ब्रांड या कंपनी के लिए इक्विपमेंट या पार्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। तो आपने देखा होगा जो काफी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वर्ल्ड वाइड वो मोस्टली चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो OEM गिटार्स का भी सेम कॉन्सेप्ट रहता है कि इंडिया में बैठा हुआ एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूटर चाइना जाकर अपने प्राइस, स्पेसिफिकेशन और ब्रांडिंग के हिसाब से गिटार्स बनवाता है। अब अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हर किसी की अपनी ब्रांडिंग होती है, लेकिन जो गिटार्स बनते हैं वो सारे चाइना में बनते हैं। तो सबसे कॉमन OEM ब्रांड्स जो आपको हर जगह इंडिया में मिल जाएंगे वो है प्लूटो, GBNA, जिम, हर्ट्स, वॉल्ट और बहुत से भी ब्रांड हैं जो आपको डिफरेंट लोकेशंस में या डिफरेंट स्टेट्स में मिल जाते हैं। क्योंकि वही बात है कि अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रीब्यूटर जो अलग अलग लोकेशन में बैठे हैं वो अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से गिटार मैन्युफैक्चर कराते हैं। तो OEM गिटार्स और ब्रांडेड गिटार्स में मेन ये डिफरेंस होता है कि OEM गिटार्स आपको मिल जाते हैं एक रीजनेबल प्राइस पर। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है एक प्लूटो का 41 इंचेस का कटअवे डिज़ाइन वाला गिटार, तो ये करीब आपको मिल जाता है 5,000 से 5,500 रुपये में। तो इसकी काफ़ी डिसेंट बिल्ड क्वालिटी है, आप देख सकते हैं। जो टॉप है वो सनबर्स्ट कलर का है और इसमें आपको आइवरी बाइंडिंग मिल जाती है और ये पूरा ग्लॉस फिनिश में है, तो काफ़ी प्रीमियम फील देता है। और प्राइस वाइज देखा जाए तो ये काफ़ी बढ़िया गिटार है। तो यहाँ पे आपको 41 इंचेस की बॉडी भी मिल रही है, दूसरा क्या है कि आपको कटअवे डिज़ाइन भी मिल रहा है। 41 इंचेस की गिटार अगर आप ब्रांडेड गिटार्स में देखते हैं तो वो हमेशा विदाउट कट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास कॉर्ड का AD810 है, इसमें आपको यहाँ पर कटअवे डिज़ाइन नहीं मिलता। ऐसी F310 में भी आपको कटअवे डिज़ाइन नहीं मिलता। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है आपको कि कटअवे चाहिए, नॉन कटअवे चाहिए, OEM गिटार्स में काफ़ी वेराइटी मिल जाती है, जबकि ब्रांडेड गिटार्स में आपको डिज़ाइन वाइज जो है वेराइटी नहीं मिलती। तो ये गिटार्स रीजनेबल प्राइस पे तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे कि आउट ऑफ द बॉक्स जो सेटअप होता है गिटार का वो बहुत अच्छा नहीं होता। जो जैसे एक्शन है गिटार का वो थोड़ा सा हाई रहता है अगर मैं ब्रांडेड गिटार से कंपेयर करूँ तो। इसमें जो क्वालिटी चेक होता है वो थोड़ा सा खराब होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रांडेड गिटार्स। कुछ कुछ गिटार अच्छे बने होते हैं, कुछ कुछ गिटार ठीक से नहीं बने होते। कईयों में फ्रेट्स की प्रॉब्लम होती है, कईयों में ब्रिज ठीक से नहीं लगा होता, जो ग्लू जॉइंट्स होते हैं वो ठीक से नहीं लगे होते। तो जैसे कि इस गिटार में ही देख लेते हैं, तो जो फ्रेट्स है वो अच्छे से फाइल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे स्लाइड करता हूँ तो ये फ्रेट्स चुपते हैं फिंगर्स में। तो ये थोड़े डिसएडवांटेजेस होते हैं OEM गिटार्स के। पर प्राइस वाइज देखते हैं तो ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छी साउंड मिल जाती है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट रहती है। तो अगर आप ब्रांडेड गिटार्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप OEM गिटार्स के लिए ज़रूर जाएँ। तो अगर ब्रांडेड गिटार्स की बात करें तो ब्रांडेड गिटार्स में सिर्फ मेन डिसएडवांटेज होता है प्राइस का। वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, आपको 8,000 से 10,000 रुपये शेल आउट करने होते हैं एक ड्रेडनॉट साइज गिटार लेने के लिए। लेकिन अगर उनकी बिल्ड क्वालिटी या साउंड की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी होती है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही रहती है, क्वालिटी कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छा होता है। मोस्टली जो सारे OEM गिटार्स हैं 95% आप लगा लीजिए वो सारे मेड इन चाइना होते हैं। जो ब्रांडेड गिटार्स हैं इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है, कुछ गिटार जैसे फेंडर SA सीरीज जो है SA105 है या SA150 है वो मेड इन चाइना होता है, लेकिन जैसे यामा F310 है या ये कॉर्ड AD810 है ये जो गिटार्स हैं ये इंडोनेशिया में बनते हैं। तो जो गिटार्स इंडोनेशिया में बनते हैं उनका जो क्वालिटी चेक होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर इस गिटार की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, क्वालिटी चेक भी काफ़ी बढ़िया है, आउट ऑफ द बॉक्स जो सेटअप है वो भी काफ़ी अच्छा है और जो फ्रेट्स है वो भी काफ़ी अच्छे से फाइल्ड है। तो जैसे मैं यहाँ पे स्लाइड करता हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, बहुत स्मूथ है और जो फिनिश है वो काफ़ी प्रीमियम है। तो ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाती है आपकी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की। तो पर्सनली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा अपना बजट स्ट्रेच कर सकते हैं तो ब्रांडेड गिटार्स के लिए जाइए। इसमें मेन डिसएडवांटेज आपको बस ये है कि एक तो प्राइस थोड़ा सा हाई होता है और दूसरा आपको इसमें कटअवे डिज़ाइन नहीं मिलता, जो ड्रेडनॉट साइज गिटार होते हैं उसमें नहीं मिलता। तो अगर आपने मेरी कुछ पिछली वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने यामा FS100C का रिव्यू भी किया था जो कटअवे डिज़ाइन के साथ आपको मिल जाएगा। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि अगर आप अफोर्ड कर सके, थोड़ा अपना बजट स्ट्रेच कर सके तो आप ब्रांडेड गिटार्स ही लें, क्योंकि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है, जो बिल्ड क्वालिटी है ओवरऑल अच्छी रहती है, सेटअप भी अच्छा रहता है, तो कुछ भी हैसल्स नहीं होते और ये काफ़ी लंबे टाइम चलते हैं अगर हम इनको कंपेयर करें OEM गिटार से। तो चलिए अब एक बार साउंड कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों गिटार्स का।
तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो वो भी कमेंट करिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। बहुत सी इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस आ रही है इस चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।